18 मई को अकोला के आइकन हॉस्पिटल में कोरोना से इलाज के दौरान गणेश गुरबानी की मौत हो गई थी, जिसके लिए रामदासपेट पुलिस स्टेशन में गणेश गुरबानी के बेटे लोकेश गुरबानी ने दी गई शिकायत में कहा है कि आइकन हॉस्पिटल उनके पिता गणेश गुरबानी के मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया, जिसकी खबर वहां मौजूद डॉक्टरों को दी गई, लेकिन इस ओर उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ ही समय के भीतर गणेश गुरबानी की मौत हो गई। इसके लिए हॉस्पिटल के व्यवस्थापन और डॉक्टरों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इसी को लेकर 20 मई को जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को भी आइकन हॉस्पिटल की मान्यता को रद्द करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर गुरबानी परिवार ने ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि गणेश गुरबानी किराना के थोक व्यापारी के रूप में पूरे विदर्भ में बहुत चर्चित है। इनकी इस तरह से हुई मौत से पूरा व्यापारी जगत शोक में डूबा हुआ है। गुरबानी परिवार ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह आगे उग्र आंदोलन करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने में हर संभव प्रयास करेंगे। जबकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल ने आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर के अग्रवाल से संपर्क साधा तो उन्होंने लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जांच में हर संभव सहायता देने की बात कही। अब सभी लोगों की निगाहें इस पूरे मामले पर लगी हुई है। सभी चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए, यदि कोई इसमें दोषी है तो उसे सजा मिले। श्री गुरबानी जी के परिवार द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई के विषय में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्णतः निराधार हैं, क्योंकि आइकॉन हॉस्पिटल में सेंट्रल पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन मरीजों को दिया जाता है। दिनांक 18/5 को भी श्री गुरबानी जी जहां भर्ती थे वहीं ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ठीक थी और वहां पर आईसीयू में दूसरे मरीज भी भर्ती थे जो वेंटिलेटर और जिनको वेंटिलेटर पे थे और जिन्हें ऑक्सीजन शुरू था, उन मरीजों को किसी भी प्रकार की का कोई नुकसान नहीं हुआ। आइकॉन हॉस्पिटल में जंबो सिलेंडर, ड्यूरा सिलेंडर और सेंट्रल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और सभी संसाधन पूर्ण रूप से व्यवस्थित शुरू थे। लोकेश गुरबानी है, 18 तारीख को दोपहर में जो दुर्घटना हुई, हॉस्पिटल की गलती से जो मेरे पिताजी की जान गई है, जो डिसेचुरेशन का ऑक्सीजन उनका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती के वजह से जो इतनी बड़ी हमारे परिवार के ऊपर जो इतना बड़ा संकट आया है, हम उसको रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमने 18 तारीख से कंप्लेंट दिया है पर अभी तक हमको कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए, हमने कलेक्टर साहब को भी हमारा जो भी प्रूफ था, डॉक्यूमेंट्स हमने सब सबमिट किया है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेंगे। और कमिटी, वो एक स्पेशल टीम बिठाएंगे, जीएमसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह इसमें रहेंगे और वो उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है करके इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अगर हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो हम उच्च से उच्च स्तरीय जाँच करवाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे।